मोहनपुर के सर्वमंगला कूट फैक्ट्री में हुए हादसे में मृतकों को उचित मुआवजा देने की मांग भाकपा माले के नेताओं ने सोमवार को की। इस बाबत पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश यादव और राजेश सिन्हा ने कहा कि इन दिनों लगातार टुंडी रोड के औद्योगिक क्षेत्र के फैक्ट्रियों में हादसे हो रहे हैं, जिससे सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़ा हो रहा है। बताया गया कि कूट फैक्ट्री में अचानक दीवार गिर जाने से कई कामगार की मौत हो गई, कईयों की हालत गंभीर है। इन दोनों नेताओं ने कहा कि हताहत हुए मजदूरों को अगर उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तो भाकपा माले आंदोलन को बाध्य होगी। मंझलाडीह के सर्वमंगला कूट फैक्ट्री में दीवार गिरने की घटना में कई मजदूरों की मौत की खबर है। हम इसमें यह मांग करते हैं कि प्रशासन उन सभी मृत मजदूरों के आश्रितों को जो भी नियमानुसार मुआवजा बनता है वो दिलवाया जाए, और हम इस पर एक जांच कमेटी का भी गठन करने की मांग करते हैं, ताकि ये बात पता चले कि आखिर ये दीवार गिरने की घटना कैसे हुई और इसमें किस तरह से सुरक्षा मानकों का भी कोई उल्लंघन हुआ है या नहीं। अगर ऐसा कुछ भी मामला है तो प्रबंधन के ऊपर में भी केस करना चाहिए। और ये मुआवजा की जो बात है तो इसमें मुआवजे के साथ साथ अगर उन मजदूरों का वहां कागजात दुरुस्त होगा तो उनके परिजनों को आजीवन पेंशन भी मिलने का नियम है। इन सारे चीजों को देखने की जरूरत है, हमारी पार्टी इसकी मांग करती है। मंझलाडीह मोहनपुर में सर्वमंगल फैक्ट्री करके कूट फैक्ट्री है, उसमें हादसा हुआ, दीवार गिर गया और कई मजदूर जो है उनकी मौतें हो गई, कई जो है वो घायल है। लगातार उन क्षेत्रों में जो औद्योगिक क्षेत्र है लगातार हादसा होते रहता है, वहां पे मौत होते रहती है। हमारा ये कहना है कि जो उचित मुआवजा है, सबसे पहले सुरक्षा मानक का तो घोर कमी होती है, और वो उचित मुआवजा के पर भी अगर बात करें तो बड़ा लंबा चौड़ा लेट सवेर करना पड़ता है, तो उसके लिए तत्काल मुआवजा की व्यवस्था हो। और सरकार से भी अपील है कि अगर इस प्रकार से लगातार हो रहा है और आपके आसपास क्षेत्र में हो रहा है, वहाँ के प्रतिनिधि के आसपास क्षेत्रों में हो रहा है, तो उस पर थोड़ा सा एक बैठक करके एकदम नियम कानून को दुरुस्त किया जाए। साथ ही साथ माले की टीम वहाँ पहुंची है, हम लोग चूंकि बाहर हैं और अगर उचित मुआवजा नहीं मिलता है तो नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ जोर शोर से आंदोलन पर उतारू होंगे। और